दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और देखो हम खेतों के पास आ गए हैं। खूबसूरत सरसों के पीले पीले फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज देखो खेतों के पास से मैं आपको वेलकम कर रही हूँ अपने ब्लॉग में। खूबसूरत सरसों के खेत, हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। तो रास्ते में हम रुके हैं तो इतने सुंदर सुंदर खेतों को देख के तो मन खुश हो गया मेरा। येलो येलो गन्ने के खेत है। इस तरह सुबह सुबह मजा आ गया, खेतों में पहुंच गए, मन कर रहा गन्ना तोड़ने। ए गत्ता तोड़ सकते हैं हम लोग? अब क्या गन्ना तोड़ के खाएंगे क्या? जसवंत जी, क्या हाल है जी आप सबसे? अब हम घूमने के लिए जा रहे हैं सब लोग। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट तो जी दिल्ली हाईवे से डाल देना, वो हमारे उसी रह गया। गाइस, एक घंटे का सफर रह गया जिम कॉर्बेट पहुँचने में। ऐसा इसकी मैं आ रही हूँ, टुक टुक में जा रही है जिम कॉर्बेट, है ना? टुक टुक सफारी पे बैठेगी। खाली है ट्रीट? खाली है आपने ट्रीट खाली है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है टुक टुक? उन्होंने बड़ी प्यारी सी अट्रैक्शन बनाई हुई है और हमारी टुक टुक से ज़्यादा अट्रैक्शन कोई है ही नहीं है। क्यों जी टुक टुक? ओ टुक टुक चेहरे के होते बड़ा बड़ा मनी प्लांट मैं घर में उगाने की कोशिश करती रहती हूँ, इतना बड़ा होता ही नहीं। ये देखो बेबी एलिफेंट। इट्स अ गुड क्रिएटिव आइडिया। तो जी लंच हो गया, अब हम चाय पी लें। टुक टुक में चाय पीनी है? डाल दूँ? हैं सोने, आपको चाय पीनी है? गुड्डू, ओ गुड्डू, ओ गुड्डू गुड्डू, चाय पीनी है? नहीं पीनी है, गम्मी लग रही है। रास्ते में बेल के पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे और उसमें बेल लगे हुए हैं। शिव जी भगवान जी का प्रिय पेड़। रात्रि भी आ रही है, रात्रि भी आनी पड़ रही है। सही बात है, फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं हम जंगल की सैर का, लेकिन अभी तक कोई हमें एनिमल नहीं दिखा, सिर्फ एक टाइगर के फुटप्रिंट कैप्चर हुए हैं। ये
ये कौन से पेड़ है? ये पटसावन है। ये क्या है भैया? हाथी ने निकाला हुआ है। हाथी ने छील दिया पेड़। ये डाइजेशन के लिए। किसी का पेड़ है मैडम? ये साल का सर। दीमक लगी हुई है देखो। नाराज नहीं हो, बच्ची ने उनको उसको जो ठीक लगा उसने बोल दिया। आप नाराज क्यों हो रहे हो? रोज का 21 सालों में चलते हैं। ये पानी में क्या है भैया? ये भी एल्गी है जो काई होती है। यहाँ पर ये हाथी कुंड है। अच्छा, ये पानी बारिश का है क्या? को नेचर इतनी स्ट्रांग है अपने आप में कि इनको पानी, धूप यानी कि खाना, धूप से खाना और पानी से सिंचाई, वो सब कुदरत ही कर देती है और ये जंगल सरवाइव कर पाते हैं अपने आप। ये भगवान का करिश्मा ही है। इंसान को हर चीज़ अपनी रोटी पानी के लिए, कमाने के लिए करना पड़ता है। इनको सब कुदरत प्रोवाइड करती है क्योंकि इनमें ना ईर्ष्या है ना द्वेष है। ये खड़े हैं, जो इनकी सहूलियत इंसानों को मिलती है वो दे रहे हैं। और ईश्वर ने ना हमें बहुत बड़ी सौगात दी है, जंगल पेड़ पौधे। हम आज एंजॉय कर रहे हैं जंगल को। ला एनिमल फॉलिंग ऑफ लीव्स, घना जंगल, जीप की सवारी, हमारा दिल जाए बारी बारी। दोस्तों खूब इंजॉय कर रहे हैं हम नेचर को, आप भी कीजिए। एनिमल नहीं मिले तो क्या हुआ, हमने जंगल तो देखा आज। टर्माइन के पास में स्पॉटेड डियर कहाँ यार, नजर ही नहीं है। सामने उधर देखो ना, जहाँ टर्माइन दिखा ना, टर्माइन दिखा है सामने। हाँ, ये वाला नहीं, वो वाला उधर उसी के पास में हिरन है आसपास। स्पॉटेड डियर है उसी के पास, देखा हिरन डियर दिख रहा है। डियर सारे बोरा डियर, पांच तीन चार है, तीन चार टीयर। यहाँ अलाउड नहीं है जाना, सीधा दूर दूर है। बहुत दूर है। कैमरे से हो जाता है नजदीक, पता नहीं हो, मेरे फोन में हो जाता है। मेरे को यहाँ से दिख रहा है नजर से तो। हाँ, वो चले गया, आगे पीछे हो रहा है, चले गया चले गया। दो है, हम लोगों को देखा खुद ही छुप जाते हैं। जो आवाज सुन रहे हो ना, ये कॉलिंग की है। ये लो नहीं है, टाइगर आते हैं तो कॉलिंग की आवाज होती है। लिसन लिसन केयरफुली, कॉलिंग कहाँ गया? पेड़ आ गया थोड़ा आगे, ले बोरा बोरा हिरन गर्दन झुका के खड़ा। वो हिरन वो टर्माइट के बगल में एक पेड़ है, पेड़ की पूंछ हिल गई उसकी, पीछे के बैक साइड है, मुंह इधर नहीं है उसका। क्लोज में करके देख। हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं जुगाड़, टुक टुक खा नहीं रही है, इनसिक्योर हो रही है, कोशिश की जा रही है तो टुक टुक थोड़ा सा कुछ खा ले। अभी हम आए हुए हैं हरिद्वार और रात को डिनर करने लगे हैं। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलूंगी आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखूँगी। लव यू ऑल।